नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस भवन में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि भाजपा में निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा पार्टी के भीतर बौखलाहट है। जिस प्रकार के अभद्र शब्द उनके विधायक ने प्रदेश अध्यक्ष को दिए हैं वो बिल्कुल भी जनक है। साथ ही में उन्होंने हरीश रावत के बयान पर बताते हुए ये भी कहा कि हरीश रावत एक माननीय नेता है और जो भी वो कहते हैं वो सब कुछ सोच समझ कर ही बोलते हैं और उनका राजनीतिक अनुभव उनके निर्णयों में भी मजबूती देती है। रावत जी ने बौखलाए हैं, बीजेपी में बौखलाहट है। आपने देखा होगा उनके विधायक भीतरघात का आरोप लगा रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष के खिलाफ अगतनी शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। पार्टी अध्यक्ष को अभद्र शब्दों में गालियां दे रहे हैं उनके विधायक। क्या वहाँ अनुसार वो बौखलाए हैं कि अब हरीश रावत जी बौखलाए? हरीश रावत जी तो शीतलता और निर्मलता की प्रतिमूर्ति हैं। जो उनका अपना अनुभव है, राजनीति अनुभव, लंबा राजनीति अनुभव है। हरिद्वार के टिबड़ी में संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। आपको बता दें कि हर साल माघ पूर्णिमा के दिन संत रविदास जयंती मनाई जाती है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये काफी मशहूर कहावत है। इसका अर्थ है कि अगर व्यक्ति का मन शुद्ध है, किसी काम को करने की उसकी नीयत अच्छी है, तो उसका हर कार्य गंगा के समान पवित्र है। इस कहावत को लोग अक्सर अपनी बातचीत के दौरान बोलते हैं। ये कहावत संत रविदास जी की है। संत रविदास कबीरदास के समकालीन और गुरु भाई कहे जाते हैं। वे बेहद परोपकारी थे और किसी को ऊंचा या नीचा नहीं मानते थे। और हमारे यहाँ से जो है ना, ये पहले पूजा होती है, पूजा रात को सत्संग होता है पहले, फिर जो है ना पूजा होती है सुबह, और पूजा के बाद जो है ना यहाँ भंडारा चलता है। ये कम से कम 5,000 आदमी का भंडारा है। देश भर में आज संत रविदास जयंती मनाई जा रही है। उनकी 645वीं जयंती पर कांग्रेस भवन में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी, मथुरा दत्त जोशी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संत रविदास जी को श्रद्धांजलि दी। गंगा स्नान के लिए माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व है। माघी पूर्णिमा के दिन खासतौर पर प्रयाग संगम और हरिद्वार पर स्नान करने का अत्यधिक पुण्यदायी माना गया है। तीर्थ पुरोहित उज्ज्वल पंडित ने की इस दिन देवलोक से देवता गण पृथ्वी पर आते हैं। इस दिन कुछ विशेष उपाय से माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न किया जा सकता है। माघ मास के अंतिम दिन की तिथि को माघी पूर्णिमा कहते हैं। धार्मिक दृष्टि से ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। ये बार माघी पूर्णिमा आज यानी 16 फरवरी 2022 बुधवार को पड़ रही है। इस दिन चंद्रदेव की पूजा के साथ ही भगवान विष्णु की पूजा का भी महत्व है। भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु पवित्र गंगा में वास करते हैं, इसलिए हिंदू धर्मावलंबी गंगा जी के विभिन्न तटों पर और विशेष रूप से हरिद्वार हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर गंगा में स्नान करते हैं, पुण्य अर्जित करते हैं, अपने पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं और ब्राह्मणों को दान देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज के इस पवित्र दिन गंगा में स्नान करना, सूर्य को अर्घ देना एवं ब्राह्मणों को दान देना 1,000 से ज्यादा अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य के फल के बराबर होता है। देहरादून प्रदेश कार्यालय में आज भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद जुगरान ने बताया कि किसी भी पद, चाहे वो अध्यक्ष हो या मुख्यमंत्री, इस तरह के बयान उचित मंच पर रखे जाते हैं, ना कि सार्वजनिक रूप में बताए जाते हैं। उन्हें बताया कि इस तरह की बातें पार्टी फॉर्म में और पार्टी मंच में कही जाती हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि अगर इस प्रकार का कार्य कुछ हुआ है तो पार्टी उसके खिलाफ पूर्ण रूप से गंभीर कार्रवाई करेगी और उसका निर्णय भी सुनाएगी। साथ ही में उन्होंने मतदान को लेकर भी बताया कि जिस रूप से मतदान हुए हैं, भाजपा पर पूर्ण रूप से विश्वास करती है कि इस बार अपनी सरकार बनाएगी। ये अराजक बयान है, एनार्किज्म है, इसको एनार्की बोलते हैं। आपकी पार्टी पे क्या फर्क पड़ेगा, हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन आप पूरे उत्तराखंड की जनता में ऐसा बयान देके एनार्की फैला रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। भाई, उत्तराखंड के अंदर खाली कांग्रेस नहीं है, कई अन्य दल भी हैं, सामान्य जनता भी है, अधिकारी वर्ग भी है, कर्मचारी वर्ग भी है। एक विद्यार्थी अगर अपने पूर्व मुख्यमंत्री के ये शब्द सुनेगा तो उसको क्या प्रेरणा मिलेगी? तो ये बहुत ही जो है ताज्जुब करने वाला, हैरत में डालने वाला नहीं है, क्योंकि 20 साल से हरीश रावत जी का यही आचरण रहा। चौहट्टा खाल सीट से भाजपा प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज अपने चुनाव संपन्न हो जाने के बाद अब योगी आदित्यनाथ के लिए वोट मांगते हुए गोरखपुर नजर आएंगे। हालांकि अपनी सीट पर संघर्ष करते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज दिखाई दिए, लेकिन शीर्ष नेतृत्व को उन पर भरोसा है कि वो उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए प्रचार करेंगे तो उससे भाजपा को फायदा हो सकता है। सतपाल महाराज ने बताया कि वो पांचवा, छठे और सातवें चरण के चुनाव में लखनऊ, गोरखपुर, बनारस, बहराइच में चुनाव प्रचार के लिए यूपी जा रहे हैं।
इसके अंदर लखनऊ आ जाती है, लखनऊ की सीटें हैं और इसमें गोरखपुर की सीटें हैं, बनारस की सीटें हैं और इसके बाद बहराइच है और इसके अंदर काफ़ी सीटें इसमें आ जाती हैं। तो ये है हमारा पाँचवा, छठा, सातवां फेज़ जो है उसके लिए मैं यूपी में जा रहा हूँ और मुझे हमारे नेताओं ने आग्रह किया है कि भाई आप जाइए और निश्चित रूप में वहाँ से डिमांड भी आएगी। उत्तराखंड की हसीन वादियों से हर कोई वाकिफ है। उत्तराखंड में लोग दूर दूर से यहाँ घूमने आते हैं, तो वहीं कई अभिनेता भी उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं और अपनी फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं। कुछ दिन पूर्व अभिनेता अक्षय कुमार भी उत्तराखंड पहुंचे थे, जहां उन्होंने मसूरी में अपनी फिल्म की शूटिंग की। तो वहीं आज डोईवाला के थानों में एक भोजपुरी फिल्म गंगा किनारे परदेशी की शूटिंग हुई, जिसमें भोजपुरी अभिनेता सत्येंद्र सिंह राजपूत और तनुश्री चटर्जी अभिनेत्री हैं। अभिनेता सत्येंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि उत्तराखंड एक टूरिस्ट प्रदेश है, जहां नदियां, झरने, पहाड़ आदि वादियां हैं, यहां आकर सुकून मिलता है, इसलिए हर अभिनेता चाहता है कि वो उत्तराखंड आकर शूटिंग करे। पहली बार मैं ऋषिकेश नहीं आ रही, इससे पहले मैं आ चुकी हूँ ऋषिकेश में। एक फिल्म किया था, डिवोशनल फिल्म था, फिल्म का नाम आदिशक्ति, रजा मुराद जी थे उसमें, मैंने उनके साथ काम किया था। फिल्म था 2009 या 10 में किया था। ये दूसरी बार है, देवभूमि है और मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बहुत ही पवित्र स्थान में आए हैं और दिल से दुआ है कि जिस फिल्म को लेकर आज हम यहाँ पर आए हैं काम करने के लिए, ये फिल्म हमारी सुपर डुपर हिट है। जैसा इस हमारे देश में ऐसी जगह है ही नहीं। पहली बात कि ये बहुत पवित्र स्थान है, मैंने पहले ही कहा देवभूमि है। मैं हूँ आप सबका अपना सत्येंद्र सिंह और आज हम लोग अपनी फिल्म भोजपुरी गंगा किनारे परदेशी का शूट करने के लिए आए हैं और पवित्र स्थल देवभूमि जो हमारा उत्तराखंड है, देवों की नगरी है और हम यहाँ पे आके हमें इतना सुकून मिलता है, इतना अच्छा लग रहा है और आशीर्वाद प्यार दुलार जो मिला है। गर्मी के दिनों में जंगलों में आग लगने की सूचना मिलती रहती है, इसलिए वन विभाग जंगलों में आग ना लगे और अगर आग लगती है तो उसको बुझाया जा सके, इसकी पूरी तैयारी करते दिख रहे हैं। 15 फरवरी से फायर सीजन की शुरुआत हो चुकी है, जिसको लेकर थानो वन रेंज ने फायर सीजन के लिए पूरी तैयारी कर ली है। वन अधिकारी ने बताया कि गर्मियों के दिनों में जंगलों में आग लगने की सूचना आती है, इसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है और उन्होंने जनता से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति जंगल के पास ऐसी चीज ना फेंके जिससे आग लग सकती है। 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो गया है, हमारे द्वारा जगह जगह फायर गोष्ठियाँ की जा रही है। स्कूलों से लेकर गाँव, प्रत्येक गाँव में लगभग हम फायर गोष्ठी कर रहे हैं। अभी तो आग लगने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि बारिश हो रही है, तो धीरे धीरे तापमान बढ़ रहा है। तो हम सभी लोगों से अपील कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि जंगलों में जलती बीड़ी, सिगरेट या किसी जलते हुए सामान को न फेंकें और आग बुझाने में हमारा सहयोग करें। तो हमें सभी लोगों का सहयोग आग बुझाने में मिलता रहता है। उत्तराखंड लाइव में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। EMS TV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS News ऐप डाउनलोड करें।